हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटर है जो छील के एक बोल हुआ है, बड़ा सा बॉल है ये। जिसके लिए मैंने लिया है छोले को बनाने के लिए मैंने लिया है ये 7 प्याज है, एक टमाटर है, एक बिग साइज़ की ग्रीन चिली है, 2 लहसुन है और एक 2 इंच का ये जिंजर का टुकड़ा है, अदरक का टुकड़ा है। और मसाले में मैंने लिया हुआ है 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून छोटे वाले टेबल स्पून से लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा पाउडर है। और मैं इसमें मीट मसाला भी लूँगी, मीट मसाला आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को इसे वॉश करके और इन सबको रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। छोले को बनाना कैसे है फ्रेंड्स, छोले को बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें कट के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं प्याज भी हमारा कट के रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम करूँगी ऑन, गैस का फ्लेम ऑन करके इसमें डालूँगी एक पैन, पैन को गर्म होने देंगे। अब कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ, छोले को बनाना कैसे है। सर्दी में छोले बहुत ही अच्छे आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ताज़े आते हैं। अब इसकी छोले बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके छोले। पैन हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग लूँगी ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना है अभी। ऑयल को गर्म होने देंगे, इसे फैला देंगे चारों तरफ अपने हाथों से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी जौन मटर जितने सारे छिल के रखे थे हरे वाले मटर, ये सारे मटर मैं इसमें डालूँगी। इसको चलाते हुए मटर को थोड़ा सा हमें भूनना है, चलाते हुए मटर को थोड़ा सा हम भूनेंगे, इसका जो जो मटर का जो हरापन होता है ना, आप कह सकते हैं कच्चापन, कच्चापन निकल जाए। सर्दी के मौसम में आप हरे वाले मटर को छोला बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही डिलीशियस बनता भी है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। मटर को मैंने 1 से 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, मटर का बस कच्चापन निकालना है। गैस का फ्लेम करेंगे लो और इसे किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे। मटर को हम दूसरे बर्तन में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, अभी थोड़ा सा हाई करेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला है, क्योंकि छोले आधा किलो से ज़्यादा है, 1.25 किलो तक है, तो छोले बनाने में थोड़ा सा ऑयल लगते हैं तब ये टेस्टी बनेंगे। इसमें मैं लूँगी 3 से 4 तेज़पत्ते और मैं लूँगी इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, जीरा को क्रैकल होने देंगे। जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है, इसी टाइम मैं डालूँगी जो हमने एक ग्रीन चिली रखा था उसे कट कर लिया था, इसे मैं ग्रीन चिली डाल दूँगी। ग्रीन चिली को बस थोड़ा सा भुनना है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा मैंने 2 लहसुन लिया था, जिसमें 1 लहसुन का 1 लहसुन के लगभग मैं इसमें अभी ऑयल में डालूंगी, लहसुन का पेस्ट 1 लहसुन के लगभग मैंने डाला है और थोड़ा सा मैं मसाले के साथ डालूंगी। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये हो चुका है, अब इसमें मैं जितने सारे आनियन कट के रखे थे मैं सारे आनियन इसमें डाल दूंगी और इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे, इसे सॉफ्ट होने तक, हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमने जितने सारे मसाले रखे थे तब तक सारे मसाले को एक बोल में डाल के उसे पानी में फूलने के लिए रख दूंगी। इस बोल में मैंने सारे मसाले को फूलने के लिए रख दिया है पानी में, और जो लहसुन हमारा बचा हुआ था 1 लहसुन का पेस्ट वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और जिंजर का पेस्ट भी इसी में डाल दूंगी। प्याज को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ अब, और मैं जितना पड़ेगा मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आप नमक कितना खाते हैं उससे। अभी मैंने बस 1 टेबल स्पून डाला है, अब मैं मटर डालूंगी तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें कितना नमक और डालना है, फिर मैं उस टाइम पे और डाल दूँगी। नमक मैंने इसलिए डाला है कि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं लगभग लगभग 4 से 5 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया है, 4 मिनट ही मान के चलिए,
प्याज हमारा कितना अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और ब्राउन भी हो चुका है हल्का हल्का। हमें इसी स्टेज पे मैं इसमें सारा मसाला जो हमने पानी में फूलने के लिए रखा था, मैं सारा मसाला इसमें डालूंगी। एक स्पून की सहायता से सारा मसालों को मिला के मैं डालूंगी इसमें, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि मसाला को हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें छोटा सा बोल है, लगभग आधा बोल हमने पानी लिया है। इसमें मैं सारा पानी इसमें डालूंगी। इस मसाला को फ्राई होने में कम से कम 15 से 20 मिनट हमें देना पड़ेगा। ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। और इस मसाले को हमें ढक ढक के फ्राई करना है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैंने अभी टमाटर का यूज नहीं किया है। टमाटर का यूज करना है पर लास्ट में करना है। ढक ढक के कुछ कुछ देर पे चलाते हुए इसे मैं 20 से 15 से 20 मिनट कम से कम भूनूंगी। मैं इसे कम से कम फ्राई करना है। फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट में ढक ढक के पकाया है। बीच में चलाते हुए भी मैंने पकाया इसे। आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी का कंडीशन क्या है, हमारे मसाले का कंडीशन क्या है। इस तरीके से आपको ढक ढक के भूनना है। देखने में ही डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड्स, तो खाने में कितना डिलीशियस होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। अब इसी स्टेज में मैं डालूंगी इसमें टमाटर। 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर जो हमने कट करके रखा है। टमाटर डालने के टाइम ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के लगभग मीट मसाला मैंने इसमें डाला है। अब सारी चीज़ों को मैं अभी ग्रेवी में लचीलापन है, अभी ड्राई नहीं हुआ है ज़्यादापन, तो मैं इसे अभी पानी नहीं डालूंगी इसमें। मैं इसे अभी और भूनूंगी, इसे चलाते हुए भूनना है, और मैं इसे फिर से ढक दूंगी। इसे ढक ढक के फिर से पकाएंगे, एक एक मिनट के कम पे ही हम इसे चलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हुआ है, फिर से मैं इसे चलाने आई हूँ। अभी एक बार इसे ढक के और पकाया जा सकता है, इसे और फ्राई किया जा सकता है एक बार और। अब मैं करूँगी गैस का फ्लेम लो टू मीडियम। 1 मिनट के बाद फिर से मैं इसे चलाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं फिर से डालूंगी थोड़ा सा पानी। ये प्याज को हमें अच्छे से गलाना है। हाफ बोल पानी डाला है मैंने इसमें, छोटे वाली बोल से। टमाटर भी हमारा नहीं गला है, इसे अच्छे से फ्राई करना है हमें। फ्रेंड्स, मसाला को फ्राई होते होते 12 मिनट से ऊपर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं तेल किस कदर, कैसे तेल ऊपर की तरफ छोड़ा है। और इसे हमें इसे चलाना है, इसे चला ढक ढक के हमने इसे मसाले को फ्राई किया है। हर एक एक मिनट पर चलाते हुए हमने फ्राई किया है। स्टार्टिंग में तो हम 2 मिनट में भी चलाया है, लेकिन जैसे ही मसाला जब अच्छे से भुनने लगा है तो हमने 1 मिनट के अंदर ही ढक ढक के और चलाते हुए फ्राई किया है। फ्रेंड्स, इसी टाइम हमें डालना है इसमें जो हमने सारे मटर जो हमने भून के रखे, तो सारे मटर मैं इसमें डालूंगी। अब मटर के साथ हमें इसे 4 से 5 मिनट भुनना है और ढक के ही भुनना है। मटर के साथ इसमें इसलिए भुनना है क्योंकि मसाले का टेस्ट थोड़ा सा मटर में चला जाए, रच बस जाए। हमारा मटर का जो छोला है हमारे यहाँ इसको घुघनी बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारी घुघनी अच्छे से बन जाए, फ्राई हो जाए तो बन जाए। हमारे यहाँ इसको घुघनी बोलते हैं फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन सब जगह इसे छोले बोलते हैं, तो हमने छोला ही बोलना ट्राई किया है क्योंकि छोले सब लोग समझ जाएंगे इजीली। फिर से इसे ढक ढक के हमें पकाना है, फ्राई करना है 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स, मसाला और मटर को फ्राई होते होते 4 से 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक कैसा दिख रहा है, इसकी थिकनेस भी कैसी है। अब सेम इसी स्टेज पे हमें इसमें डालना है पानी। पानी डाल के मैं इसे कम से कम 5 से 7 मिनट इसे पकाऊंगी, क्योंकि मटर में जो थोड़ा बहुत कसर रह गया है, अच्छे से नहीं पका होगा, वो पक जाए। अभी मैं लगभग 1 गिलास पानी लिया है, मैं देखती हूँ कितना पानी इसमें जा रहा है, क्योंकि हमें इसे 5 से 7 मिनट पकाना भी है। फिर हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, इतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए ही होगी, इतना तो बन के रेडी ही होगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा, और जो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा पानी बच गया है, मैं ये पानी भी इसमें डाल दूंगी।
थोड़ा सा और जाएगा, एक गिलास पानी थोड़ा सा मैंने डाला है। अब इसे मैं ढक दूंगी और मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट बाद। फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देखती हूँ उसका कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, हरे मटर के छोले देखने में इतना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आप इसे देखिए, मैं आपको ग्रेवी की थिकनेस दिखाती हूँ। इसमें प्याज का एक टुकड़ा भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सारा प्याज गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए फ्रेंड्स, अगर 5 से 7 मिनट में आपका मटर नहीं पका हो, आपको लगा कि मटर और पकेगा, तो आप इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के और पका सकते हैं। मैं कह रही हूँ 5 से 7 मिनट पकाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से 7 मिनट ही पकाना है आपको, आप ज़्यादा भी पका सकते हैं। आप एक बार इसे ऐसे अपने हाथों से जैसे आप इस हाथ इसे धो के देखें, देखिए आप एकदम अच्छे से पक चुका है। आप भी चेक कर सकते हैं मटर अच्छे से पका है नहीं पका है। ग्रेवी की थिकनेस यही अच्छी लगती है छोले में, देख सकते हैं। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप गेस्ट को भी खिला सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसको चूड़े के साथ, जिसे आप लोग पोहा बोलते हैं, पोहा बोलते हैं उसे, उसके साथ बहुत ही पसंद किया जाता है। और साथ में प्याज की कचरी हो जाए तो और मज़ेदार है। फ्रेंड्स मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून से भी कम है, क्योंकि गरम मसाला बस टेस्ट के लिए, मीन्स आप कह सकते हैं थोड़े से खुशबू के लिए डाला जाता है। गरम मसाला को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ी सी पेट में जलन होने लगती है। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता, हमने कट करके रखा हुआ है धनिया पत्ता मैंने डाला है इसमें। धनिया पत्ता को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसे हल्का हल्का थोड़ा सा मिला दीजिए कि धनिया पत्ता की जो खुशबू है इसमें फैल जाए। फ्रेंड्स हमारा छोला बनके अब हो गया है रेडी। हमने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ, आप देख सकते हैं, बस धनिया डाल के इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके। धन्यवाद।